नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस साल 13.16 लाख बच्चों ने नीट परीक्षा पास की है। इस साल नीट यूजी में कुल 67 छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है, जिसमें से एक छात्र ग्रेटर नोएडा से भी है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले मृदुल मान्या आनंद ने इस कठिन परीक्षा की तैयारी की और 2 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद सीधा पहले पायदान पर जगह बनाई। देश में सबसे ज्यादा मुश्किल परीक्षाओं में शामिल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में जगह बनाना कोई आम बात नहीं है। इस परीक्षा में लाखों छात्र बैठते हैं और सिर्फ कुछ ही हजार बच्चे अच्छी रैंक हासिल करके अच्छे कॉलेजों में जाते हैं। इन बच्चों में शुमार ग्रेनो के एक ऐसे ही बच्चे ने ऑल इंडिया लेवल पर पहली रैंक हासिल करके शहर का नाम रोशन किया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रॉयल वेस्ट सोसाइटी में रहने वाले मृदुल मान्या आनंद ने अपनी मेहनत और परिश्रम से शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। इस परीक्षा में मृदुल के 720 में से 720 अंक आए हैं। मृदुल का कहना है कि दिल्ली एम्स से आगे की पढ़ाई वो करेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रॉयल लिस्ट सोसाइटी में अवनीश आनंद अपने परिवार के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि मृदुल मान्या आनंद एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपने पिता की एक आईआईटी कंपनी में जॉब करते हैं। मृदुल की माता जी डॉक्टर ममता आनंद हैं। अवनीश आनंद ने जानकारी दी है कि उनका बेटा मृदुल मान्या आनंद शुरुआत से ही पढ़ाई में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। 10वीं में 98% और 12वीं में 91% अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने आगे बताया कि आईटी कंपनी में जॉब करने के कारण से वह बेटे पर ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने पूरा ध्यान रखा। बेटे ने नीट की तैयारी के लिए 11वीं में कोचिंग ज्वाइन कर ली। इसके बाद वह घर पर ही सेल्फ स्टडी करता था, जिसका परिणाम सामने आया है। आपको बता दें, मृदुल ने दिल्ली में रहकर इस परीक्षा की तैयारी की। वो दिन में 2 बार कोचिंग जाते थे और फिर घर पर रहकर 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत और सही गाइडेंस ने उन्हें सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको जानकारी दे दें कि इस साल 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट परीक्षा पास की है। इस साल नीट यूजी में कुल 67 छात्रों ने एयर 1 हासिल किया है। सभी उम्मीदवारों ने नीट परीक्षा 2024 में 720 अंक और 99% से ज्यादा अंक हासिल किया है। इस साल नीट परीक्षा 2024 ने पहले पायदान पर ग्रेटर नोएडा में रहने वाले मृदुल मान्या आनंद ने जगह बनाई है। अगर आप भी इस परीक्षा में बैठते थे, अगर किसी कारणवश आप ये परीक्षा पास नहीं कर पाए तो हताश मत होइए। आप अपने वीक पॉइंट्स पर काम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी नोएडा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।